ये पुल की धरती बाशोर है, ये पुल की धरती बागैरत है, ये पुल की धरती जो है ये ऐसे भी बताने की जरूरत नहीं है, एक सीनियर ऑफिसर है वो करेंगे। और बाकी जो हमारे भी मामला जो भी हैं और उसके अलावा जितने मसाइल हैं वो फक्तन इनके सामने रखे जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से पहले लोगों ने अच्छा काम किया, पांडे साहब ने भी, जौहर साहब ने भी, शमशीर साहब ने, उनसे पहले वानी साहब थे, ये जितने साहिबान यहाँ पे आए हैं अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे काम किया। और ये भी मैं अर्ज करूँ कि हमारा जो ज़िला पुंछ है और ख़ासकर जो पुंछ शहर है और इसके अतराफ और इसके मज़ाफात जितने भी इलाके हैं, यहाँ पे आपको प्यार, मोहब्बत और मुरब्बत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये प्यारों की धरती है और यहाँ लोग प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले हैं। और प्यार और मोहब्बत यहाँ के जमीर में भी है और यहाँ के खमीर में भी है। उसने शरीक कर देता है, मैं वो इस चीज को कंडेम करता हूँ और आस करता हूँ कि ऐसी सारे उस परिवार के दुख में शामिल होंगे। क्यों कि किसी भी धरती के, किसी भी कोने के, किसी भी व्यक्ति की अगर इनोसेंट व्यक्ति को किसी तरह मारा जाता है, ऐसी इस चीज को कंडेम करते हैं। एसएसपी साहब, मैं बेनती करा कि पुंछ के अंदर कोई शक नहीं कि हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सारे इकट्ठे मिलके असी कह रहे हैं, कोई शक वाली गल नहीं है। पुंछ की ओर से गैर मजमून लीडर आपकी, आपको इस पुंछ की धरती पे हार्दिक स्वागत करता हूं। रिस्पेक्टेड प्रोमिनेंट सिटीजंस ऑफ पुंछ टाउन एंड पेरिफेरी, जितने भी यहाँ रिस्पेक्टेड सिटीजंस आए हुए हैं, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से हो, ट्रेड से हो, बार एसोसिएशन से हो, पंच, सरपंच और तमाम जो रिस्पेक्टेबल यहाँ आए हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने छोटे नोटिस पे इतने दूर से इतने खराब मौसम में आप लोग यहाँ आए और इतनी बड़ी तादाद में आए, जिसको देख करके मैं अपने जो ख्यालात हैं उनका शायद इजहार वर्ड्स में ना कर पाऊं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जिस तरह का कॉपरेशन मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं हजारों गुना ज्यादा जो है वो मैं आप लोगों के जरिए, आप लोगों ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया वो चीजें मुझे आज ही शायद सीखने को मिली होंगी कि यूनिटी डाइवर्सिटी तो लोग कहते हैं, लेकिन उसका जो जीता जाता सबूत है वो आप लोग। और जिस तरह से आप लोगों ने 20 की तारीफ की, मेरी टीम की तारीफ की, ये इस बात का गवाह है कि इट इज ए टू वे प्रोसेस। ये तभी ही पॉसिबल हो सकता है, तभी ही हो सकता है जब हम और आपका एक ट्रस्ट हो। ट्रस्ट मीन्स विश्वास हो, जो चीज मैं कह रहा हूं आप उस पर यकीन कर रहे हो और जो चीज आप कह रहे हो उस पर मैं यकीन करता हूं। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के हालात, एक दूसरे की जो मुश्किल है वो हम समझ के चलेंगे। मैं अपनी टीम का जो आप लोगों ने जो SHO साहब के बारे में बताया, अब उसमें यही है कि उनका क्योंकि ट्रांसफर हायर लेवल पे हुआ है, लेकिन जिस तरह के ख्यालात का इजहार आप लोगों ने किया है, मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं इस बात को ऊपर तक जरूर पहुंचाऊंगा और जहां तक पॉसिबल हो सके वो जो आप चाहते हैं वो चीज इम्प्लीमेंट हो। कुछ इश्यूज थे जो आप लोगों ने इसमें पॉइंट आउट किए हैं, ड्रग्स वो नंबर वन प्रायोरिटी पहले भी रही होगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ कि मैं इसमें आप लोगों का ताबून चाहता हूँ और भरपूर कोशिश करूंगा
अपनी टीम को भी पूरा इसमें लगा दूंगा कि इस तरह के कोई भी इंसिडेंट जो है वो फ्लोरिश ना कर पाए। और जहां तक ये सवाल है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो जो इसको चला रहे हैं, जो इसके पीछे हैं, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि ड्रग्स का जो बैलेंस है, जिससे हमारे नौजवान लोग जो हैं वो सेहत पे, उनकी जहनीत पे असर पड़ रहा है, वो इससे हमारा जो है वो छुटकारा हो सके। जो हमारे पंच सरपंच साहिबान जो दूर दराज एरिया से आए हैं, उनकी ये बिल्कुल जायज डिमांड है कि मैं उनसे वहां जाकर के मिलूं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी इनिशियल डेज है, तो मेरा खुद का एक एरिया पेनलाइजेशन भी हो जाएगा, मैं आप सबसे मिलूंगा और आपके पंचायत में जाकर के, आपके इलाके में जाकर के, आपके एरिया में जाकर के आपकी बात करूंगा, निवारण करूंगा, और जो मुझसे नहीं बन पाएगा मैं उसके लिए अपने हायर स्पोर्ट्स में अप्लाई करूंगा, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे कोई और आपका मसला। शुक्रिया। बाकी जो डाक बंगले पुंछ में एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग रखी थी, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, सोशल रिलीजियस और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस के पुंछ के, उसके साथ साथ जो सरपंच और पंच दूरदराज इलाकों के हैं वो भी आए थे, तो उनसे जो उनके ख्याल का सुनेंगे, उनकी उनकी बातें सुनेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, और बीइंग एसएसपी और ये पुलिस की टीम की तरफ से जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं उनको हम गौर करेंगे, और ये मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ और ये चाहता हूँ कि वो पुलिस के साथ तावन करें जिस तरह से वो पहले करते आए हैं, और मैं अपनी तरफ से ये एश्योरेंस देता हूँ कि हम लोग जितना हो पाएगा कानून के दायरे में हम उनके साथ हैं, शाना बशाना हैं, हर सुख दुख में उनके साथ हैं, और मिलजुल के हम इस जो पुलिस और पब्लिक का जो सहयोग है उसको आगे बढ़ाएंगे, और जितने भी गलत अनासर हैं, चाहे वो ड्रग्स के रिलेटेड हो, चाहे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, उन सब का खात्मा करेंगे और एक खुशहाल जो है पुंछ की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। जो मिसबिहेव हुआ मीटिंग है उसके वाले से कहेंगे।